हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरे ख्याल से आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज इस लेक्चर के अंदर कुछ तरोताज़ा, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, हम लोग बात कर रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड। अच्छा मैम, आज से पहले भी तो पढ़ाई से रिलेटेड बातें होती थी, अब ऐसी बात है कि हम बात कर रहे हैं कि भाई आप पढ़ाई तो बहुत करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कभी ना कभी ये ख्याल ज़रूर आता है कि क्या ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की जो डिग्री है क्या मैं फ़ौरन से ले सकता हूँ। तो मतलब कहने का कि अगर हमारे दिल में, हमारे मन में एक इच्छा है कि हम अब्रॉड जा कर के पढ़ें, तो बिल्कुल वो इच्छा है जो पूरी हो सकती है। कोई ऐसे कोई हमने बड़ी कोई ऐसी अलादीन से कोई ऐसी विश तो नहीं मांग ली है कि जो कभी पूरी नहीं हो सकती, बिल्कुल पूरी हो सकती है। तो यहाँ पर बात करते हैं अगर फॉरेन कंट्रीज़ की, और फॉरेन कंट्री में हम चूज़ करते हैं जी यूएस जैसी कंट्री को। तो जब बात आती है यूएस जैसी कंट्री की, तो फीलिंग कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे मन में पहला लड्डू फूटा फिर दूसरा लड्डू फूटा। तो बात ऐसे है कि अगर हम यूएस जैसी कंट्री की बात करते हैं और वहाँ पर जाकर के हम पढ़ने की बात करते हैं, स्कॉलरशिप को अगर मैं एक साइड में रख दूं और बिना स्कॉलरशिप अगर मैं सोचूं, तो बिल्कुल हमारा जो खर्चा है वो लाखों में नहीं करोड़ों में है जो पहुँच सकता है। अब ऐसा है कि इतना अफोर्ड कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, तो हम स्कॉलरशिप को अगर हम देखें तो यस हम उसको ग्रैब कर सकते हैं। देखिए अगर मैं ऑनेस्ट अगर आपको रिव्यू दूँ, तो यूएस जैसी कंट्री के अंदर अगर आप स्कॉलरशिप ग्रैब करने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन वही चीज़ है ना कि दुनिया में क्या चीज़ है जो आसान है ना, मैगी के अलावा। खैर, तो हर चीज़ है जो मुश्किल है। कहते हैं ना कि वो हमने बहुत बार कोट भी है जो पढ़ा है कि भाई इम्पॉसिबल जो शब्द है वो अपने आप में कहीं ना कहीं कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो वही चीज़ है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल मुश्किल है थोड़ा सा कह लो, लेकिन हमारी मेहनत है जो रंग ज़रूर लेकर के आएगी, क्योंकि ये स्कॉलरशिप बनी है तो कोई ना कोई तो ग्रैब करता ही होगा, तो वो कोई ना कोई में से किसी साल हम हैं जो हो सकते हैं। तो बात ऐसे है कि हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो मुझे सकती हैं यूएस में पढ़ने के लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि है फुल ब्राइट नेहरू स्कॉलरशिप प्रोग्राम। देखिए अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है थोड़े से आर्ट एंड कल्चर वाले सब्जेक्ट्स के अंदर, यानी कि आप जर्नलिज्म में कुछ करना चाहते हैं, मास मीडिया में कुछ करना चाहते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आर्ट एंड कल्चर में आपका इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली, साइंस या फिर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अब बात करते हैं अगर इसी के बारे में, तो इसमें क्या है कि आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले एक आप भारतीय होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए आप, और दूसरी चीज़ है कि आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो ब्राइट स्कोर है जो होना चाहिए, और तीसरी चीज़ है कि ऑफकोर्स आप यूएस जा रहे हैं तो आप इंग्लिश लोगों के साथ डील करेंगे, तो आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब ये स्कॉलरशिप आप लोगों को ट्यूशन फीस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपका खाने पीने का रहने का खर्चा है जो बिल्कुल कवर है जो कर देती हैं। बाकी आप इनकी वेबसाइट जो मैं साइड में दिखा रही हूँ, आप इसकी वेबसाइट पर जा करके बाकी की जो डिटेल्स हैं वो ले सकते हैं, और इसका मैं लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बिल्कुल है जो दे दूंगी। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अगली स्कॉलरशिप, जो कि है AAUW इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। ये जी है हमारे विमेन कैंडिडेट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए है, किसी भी स्ट्रीम के लिए। और अगर आपकी एज इसके अंदर 30 से कम है, आपकी इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा है जो अच्छी है, और आपका जो अकेडमिक स्कोर है वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट रह चुका है, तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस स्कॉलरशिप के लिए। इसकी जो वेबसाइट है वो आपको साइड में दिखाई दे रही होगी, और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, यानी कि इस वेबसाइट को डालूंगी और आप इसमें से चेकआउट है जो कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरी स्कॉलरशिप की तरफ, जो कि रिसेंटली ही लॉन्च हुई है, जिसका नाम है जी यू आर वेलकम हेयर। एक्चुअली में ये सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू है जो शुरू हुई एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और आप बिल्कुल इसके थ्रू भी है जो अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको 50% फीस है जो आप लोगों को मिल जाता है, बाकी की जो डिटेल्स होंगी वो आपको इसके वेबसाइट के लिंक पर है जो बिल्कुल है जो मिल जाएगी। बाकी इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये वाला है कि ये अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है,
तो इसके अंडर में कुछ ज़्यादा बहुत कॉलेज है जो नहीं आते हैं, और जो जो भी कॉलेजेस आते हैं वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से नहीं है। तो अगर आप इसके अंदर देखना चाहते हैं तो इसकी सारी डिटेल्स मैंने यहाँ साइड में आपको दिखा दी है, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक है जो देख करके अप्लाई कर सकते हैं। सो जी अगला है जी स्टैनफोर्ड रिलायंस धीरू भाई अंबानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि डिज़ाइन है MBA स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें शर्त ये है कि आप MBA करने के लिए अब्रॉड तो जा सकते हैं, लेकिन आपको वापस आ करके इंडिया में स्टे करना पड़ेगा और इंडिया के अंदर काम है जो आपको करना पड़ेगा। सो इस शर्त पर आप है जो MBA के लिए अब्रॉड है जो जा सकते हैं। अब बात इसमें ऐसे है कि अगर आपका एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा है लेकिन आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है जो कर सकती है, और आप इसके थ्रू अपनी MBA प्रोग्राम को आगे है जो जारी रख सकते हैं। इसमें आपको 80% आपकी जो फीस है वो माफ़ हो जाती है, बाकी जो डिटेल्स हैं वो इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी। तो ये थी सारी की सारी स्कॉलरशिप्स जो कि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली सर्च की और आपको बताया, एंड आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है जो होगी आज की क्लास। अगर ऐसी बात है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, और भूलिएगा नहीं दोस्तों के साथ में इस लेक्चर सीरीज़ को और इस चैनल को शेयर करना। राइट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर कुछ नई और इंटरेस्टिंग तरोताज़ा बातों के साथ में। बाय बाय।